नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब टीवी झारखंड में हिंसदा के निवासी छोटो गोप की मानसिक स्थिति के ऊपर संवाद प्रसारण की गई थी, जिसके तहत परिवहन मंत्री चंपई सोरेन एवं जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार जी ने विषय के ऊपर संज्ञान लिया। छोटो को नई जिंदगी मिलने की उम्मीद जगी। अभी बात की है, अभी एम्बुलेंस वाले से भी बात कर ली है, वीडियो शेफ से भी बात कर ली है, और थाना प्रभारी जो है उसका उनसे भी हम बात कर लिए है ना। तो इनके लिए, इनको वहाँ रिमपस भेजने के लिए जो सरकारी प्रक्रिया है उसके तहत ही हम लोग भेजेंगे सर। जैसे कि अभी हम लोग इसको जो हम लोग अभी सोच रहे हैं कि इसका जो प्राथमिक उपचार यहाँ करके फिर हम लोग इसे रिमपस रेफर करके फिर करना चाह रहे हैं, ताकि वहाँ के भर्ती होकर वहाँ पर इसका पूरी तरह से अच्छे ढंग से फिर इलाज हो सके। जमशेदपुर के खासमहल के प्रखंड सैंचल कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब उपायुक्त सूरज कुमार औचक निरीक्षण करने कार्यालय पहुंचे। उस दौरान हर आने जाने वाले लोगों से उन्होंने पूछताछ की। सबसे पहले तो सारे अटेंडेंस और हाजिरी देखा, इसके अलावा ये निरीक्षण करने की कोशिश किया कि कहीं किसी प्रकार का मिडिल मैन या बिचौलियों का साम्राज्य जो है वो तो स्थापित नहीं है, और जो आम जनों का कार्य है वो रेगुलर वे में हो रहा है या फिर उसमें उनको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी क्रम में बृहद पूछताछ की गई है। कुछ लोगों पे जिनका शक है अभी भी उनको SDO साहब के मार्फत पूछताछ की जाएगी डिटेल में, और अगर उसके बाद फिर लगता है कि उनके द्वारा कोई गलत काम किया जा रहा था प्रखंड में तो उसके बाद फिर अग्रेसर कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर के सांची स्थित मंगला हाट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिला प्रशासन ने मंगला हाट के दुकानदारों को आम बगान मैदान में बैठने का आदेश दे दिया, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि जिस जगह पर चिन्हित किया गया वहां पर सामाजिक तत्वों का अड्डा है। यहां के दुकानदार आम बगान जाने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक हम लोगों को सही तरीका से सर्वे करके वहां बैठाया जाए सिस्टम से वेंडिंग जोन बना के तभी हम जाएंगे। ऐसे तो जमशेदपुर का कोई भी लोग वहां आके दुकान लगाएंगे तो किसे पता कि मतलब यह साक्षी बाजार का दुकानदार है और कहीं का है। तो सिस्टम से हम जाने के लिए तैयार है, और अभी हमारे यहाँ सब माल सबका फंसा हुआ है, दो चार दिन हमें लगाने दे दूसरे तक, उसके बाद आप सिस्टम से हमें बैठा दीजिए। और प्रशासन ये चाहती है कि आम जनता कम से कम तो कोरोना से कोई नुकसान नहीं हो, अभी क्या है हम लोग इस जमशेदपुर शहर को बचा सकते हैं। आप पिछले दिन देख सकते हैं कि हमारे क्या तबाही मचाया, उसको लेकर के प्रशासन सजग है, सजग है, लोगों से अपील कर रहे हैं, समझा रहे हैं। भाजपा के द्वारा राज्य सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल पूरा होने के बाद उनकी विफलताओं के खिलाफ राज्य भर के सभी जिलों में सरकार के खिलाफ महाधरना दिया गया और सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। इस सोई हुई हेमंत सरकार को जगाने का काम कर रही है। ये सरकार को गठन हुए एक वर्ष हो गया, और इस एक वर्ष के कालखंड में झारखंड में महिला उत्पीड़न के मामले काफी दर्ज हुए। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, और यह हेमंत सोरेन की सरकार नींद से सोई हुई है। यह हेमंत सोरेन के एक वर्ष की सरकार में विकास का काम ठप है, ट्रेजरी बंद है, और नक्सली घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है। आए दिन विकास के कामों को नक्सली अवरुद्ध कर रहे हैं, नक्सलियों का तांडव पूरे राज्य में चरम पर है, और हेमंत सोरेन की सरकार। सांची थाना अंतर्गत सांची बाजार स्थित डांडला लाइन में दो दुकानदारों के बीच दुकान लगाने को लेकर जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक दुकानदार को गंभीर चोटें आई है। यहाँ सामने में एक दुकान का स्टाफ मना किया लोगों, एक लड़की से लोग बदतमीजी किया कि तुम काली कलौटी है, अब दुकान में भी नहीं आ रही है, भागो यहाँ से। तो सामने वाला जब दुकानदार का स्टाफ विरोध किया कि भैया तुम लोग ग्राहक तो किसी का लिखा हुआ नहीं है, ग्राहक के साथ में इस तरीके का बदतमीजी, तो ये लोग 10 आदमी आके उससे मारपीट करने लगा। चूंकि कल मंगलवार था और सारी दुकानें लगभग ज़्यादातर दुकानें बंद थी, तो हम लोगों ने आज जो है इनसे बात करने का प्रयास किया, वो खुद मेरे पास में आकर के बोला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो हम लोग समझा रहे थे, ये लोग मारपीट शुरू कर दिया। स्टाफ लोग जो है करीब करीब 50-100 के संख्या में डंडा लाठी कुर्सी लोहा का पाइप रॉड सारा निकाल करके, और जितने भी दुकानदार बंधु हैं सारे लोग के ऊपर में डंडा चलाया, मेरा चाचा का हाथ टूट गया। सब दोनों पक्ष शांत करा है, एक पक्ष पे ले जा रहे हैं और एक पक्ष बोला कि हम लोग आ रहे हैं थाना।
जमशेदपुर के टेलको निबंधित श्रमिक संघ ने अब अपने आंदोलन को बड़ा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए संघ आगामी दिनों में भिक्षाटन करेगा और मुंबई जाकर टाटा संस के पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखेंगे। उसे नकारा ही गया है और इस साल तो ऐसा हुआ, नए वर्तमान जो यूनियन पदाधिकारी थे चाहे नए अध्यक्ष जो हमारे थे वर्तमान अध्यक्ष, उन्होंने तो ऐसा किया कि उम्र सीमा का दायरा ऐसा कर दिया कि हम लोग 42 साल से ऊपर वाले आधे लड़के बहाली से ही छट गए। इसी मांग को लेकर हम लोग एक विचार ये किया है कि हम लोग इच्छाटन कर कुछ पैसा जुटा कर, क्योंकि DLC ने जवाब दे दिया है कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैनेजमेंट बोलता है कि आपका बार्गेनिंग एजेंसी टाटा वर्कर्स यूनियन है, आप यूनियन से बात करो, यूनियन हमसे बात करेगी। टाटा स्टील के पूर्व अधिकारी निरूप महंती के घर में नौकरानी का काम करने वाली 55 वर्षीय मंगली गोराई की बिष्टुपुर ओल्ड CH एरिया स्थित उनके आवास पर संगीत हालत में मौत हो गई। मंगली के परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए बिष्टुपुर थाने में इसकी लिखित शिकायत की है। घटना की जांच CCR DSP अरविंद कुमार कर रहे हैं। निरूप महंती टाटा स्टील के एम्प्लॉई रहे हैं, आज सेवानिवृत्त हो गए हैं, किंतु उनके यहाँ एक महिला मंगली गोराई नामक थी जो 55 वर्ष की उम्र की काम करने वाली महिला थी। उनकी कल उनके आवास पे मौत हुई है। मौत के पश्चात उन्होंने टाटा स्टील मेन हॉस्पिटल में भर्ती कराया और इस भर्ती की जानकारी उनके परिवार के लोगों तक नहीं पहुंची। फिर भी इसके बाद किसी अन्य लोगों को जानकारी किसी सोर्स से मिला कि आपके माता का निधन हो गया है, आप अपने माता को देखने के लिए हॉस्पिटल आप जाएं। फिर संदेह वाली बात लगती है कि हत्या हो सकता है, मे बी ये तो जाँच का विषय। और मांग ये है कि उसके मृतक के परिजनों को एक मुश्त उसको मुआवजा मिलना चाहिए, तत्काल जाँच का विषय है, वो जाँच हो। कोटका जन वेतन प्रणाली अंतर्गत राशन कार्ड धारियों के लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं होने पर काफी पूर्व होने पर SDO जमशेदपुर द्वारा एक बैठक कोटका सभागार में आयोजित की गई। आधार से सीडिंग नहीं हुआ है उस संबंध में बैठक थी। कुछ कुछ यहाँ पे कोटका प्रखंड बहुत पीछे है, इनफैक्ट सबसे पुअर परफॉर्मेंस कोटका प्रखंड है। लगभग 30,000 लोग हैं जिनका की अभी भी आधार कार्ड सीडेड नहीं है। उसी आलोक में बैठक की गई कि जितने भी लोग ऐसे हैं वो हमको सीड करके दें, और सीड करके नहीं देंगे तो मान लिया जाएगा कि ऐसे लाभुक एग्जिस्ट नहीं करते। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 शुरू हो चुका है और इस बार जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया 5वें नंबर पर हो, इसको लेकर नोटिफाइड एरिया पूरी ताकत लगाती है। वैसे स्वच्छता सर्वेक्षण का शुभारंभ JNAC के ब्रांड अम्बेसडर पप्पू सरदार और विशेष पदाधिकारी ने की। वैसे इस मौके पर एक प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि आप अपने घर और आसपास के इलाके को साफ रखें, कचरा सड़क पर और घर के बाहर ना फेंके, जो बेस्ट सामान है उसे आप खाद बना सकते हैं। हम लोग टॉप 5 में आने के लिए कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं, और इस बार हम लोग जो है एक अनोखा पहल किए हैं कि हमारे ऑफिस में ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर पप्पू जी, उनके कर कमलों द्वारा, उनके सहयोग से, उनके डेडिकेशन के माध्यम से हम लोगों ने एक छोटा सा ये बनाया है, उसका एक प्रदर्शनी बनाया है और डेमोंस्ट्रेशन कह लीजिए आप, तो उसको यहाँ पे लोगों को हम लोग पर डे जो यहाँ आते हैं ऑफिस में उसको विजिट कराएंगे। तो अपने शहर को एक नंबर लाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें पब्लिक का सहयोग चाहिए, लोगों का सहयोग चाहिए। लोग हम लोगों की मदद करेंगे, खुद कूड़े का जिस तरीके से हम लोग बता रहे हैं कि गीले कूड़े से खाद कैसे बनेगी, लोग इसकी तरफ ध्यान देंगे, कूड़ा कम बाहर फेंकेंगे, सड़कों की सफाई रहेगी। शहर को एक नंबर लाने के लिए पूरे शहर की जितनी पब्लिक है सब हम लोगों का सपोर्ट करेगी, हमारा शहर नंबर वन आएगा। टाटा वर्कर्स यूनियन के चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। आपको बता दें कि यूनियन के पदाधिकारियों ने एक बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी के बाद चुनाव कराया जाएगा। वैसे तारीख का ऐलान अभी नहीं हुआ है। हम लोग के हाथ में जितना है हम लोग करके रिटर्निंग अफसर को ये जिम्मा जल्द से जल्द दे देंगे। मेरा सारे मजदूर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि और सब जितने कमेटी मेंबर हैं सबसे शुभकामना भी है कि सब अच्छा से चुनाव लड़े, अच्छा से फ्रेंडशिप फाइट करें और जीत के आके फिर मजदूरों का काम करें।